अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीनियर अदाकारा परवीन अख्तर के बारे में। ये अदाकारा जिन्हें एज अ सीनियर एक्टर आप स्क्रीन पर देखते हैं कि कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीनियर अदाकारा की फैमिली के बारे में। तो ये अदाकारा मैरिड हैं और इनकी बेटी रबिया कुलसूम भी मशहूर अदाकारा हैं, और इसी तरह इनके दामाद रेहान निजमानी भी अदाकार हैं, और इनके बेटे मोहम्मद फैजान शेख भी अदाकार हैं, और इनकी बहू माहम आमर भी अदाकारा ही हैं। तो यूं इनके तमाम बच्चों ने, इनके दामाद, इनकी बहू, सब ने इन्हीं से इंस्पायर होकर शोबिज को ज्वाइन किया। ये अदाकारा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी शोबिज लाइफ को साथ लेकर चले हुए हैं, और अक्सर अपने नवासों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ तस्वीर शेयर करती हैं। बात करते हैं इनके कैरियर की। तो इन्होंने यूं तो बीए किया था, और बीए के बाद पीटीवी में इन्होंने 1970 में अपने कैरियर का आगाज किया, और अपने वक्त की नामवर अदाकाराओं में इनका शुमार होता था। और अब तो एज अ सीनियर आर्टिस्ट ये आपको ड्रामा दीवानगी, ड्रामा सियानी, ड्रामा मेरे ही रहना, और ड्रामा जिन ज्यादा, और ड्रामा मन्नत मुराद में भी नजर आई हैं। और ये ना सिर्फ एज अ एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं बल्कि एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रही हैं, और ड्रामा रेडी स्टडी गो में ये अपने बेटे बहू के साथ नजर आई हैं, और इस ड्रामे की प्रोड्यूसर भी ये खुद ही हैं, और ये कॉमेडी ड्रामा फैंस बेहद पसंद भी करते हैं। जबकि बात करते हैं व्यूवर्स इनकी फिजिकल अपेयरेंस के बारे में, तो इनकी हाइट 5'7" इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना है, और इसके साथ साथ राइटिंग करना और सिंगिंग करना भी। तो ये थी सीनियर अदाकारा परवीन अख्तर। आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।